हम बात कर रहे हैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन की बात करें तो बड़ा अपसाइड, बड़ा जंप स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है 8% के ऊपर के अपसाइड के साथ। इस वक्त स्टॉक 531 रुपीज़ पर हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको याद है जब स्टॉक ने इससे पहले बाउंस बैक किया था और 460 के ऊपर काम कर रहा था, हमने डिस्कस किया था, वीडियो भी चैनल पर मौजूद है कि हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक अगर 460 के ऊपर ही सस्टेन हो जाता है तो बाउंस बैक के साथ इस हाई को ब्रेकआउट दे सकता है, यानी 500 के लेवल को। और 500 के ब्रेकआउट के बाद 520 से लेके 540 तक का भी जंप रिफेक्स दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किए थे। और हमारे सारे टारगेट जो है रिफेक्स हमको हिट करता नज़र आ रहा है, हमारे सारे टारगेट अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो कि हमने इन लेवल्स को डिस्कस किए थे। तो अब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 540 के लेवल से रिजेक्शन लिया है, गिरावट आ रही है, लेकिन क्या इस रिजेक्शन के साथ बड़ी सेलिंग दिखा पा रहा है? नहीं दिखा पा रहा है। स्टॉक अपने हाई के आसपास ही है। रिफेक्स का फ्यूचर यहाँ से काफ़ी ऊपर है, लगातार अप ट्रेंड में, लगातार बड़ी बाइंग देख सकते हैं हम। लगातार स्टॉक में कंटिन्यूसली बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। गिरावट आती भी है तो वहाँ अगेन बड़े पिलर सेंटर होकर सारा माल उठा लिया जाता है। लगातार ऑलमोस्ट 160 के लेवल से लगातार रैली दिखा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद भी बड़ा सेलिंग नहीं आ रहा है। स्टॉक अपने हाई के आसपास सस्टेन कर रहा है। गिरावट आती भी है तो 3528 इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट 520, और मेजर सपोर्ट जिस रेंज को ब्रेकआउट किया, जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया था, 500 का लेवल तगड़ा सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ से आप नज़र रखना है इसी लेवल पर जहाँ से रिजेक्शन लिया है। बड़ी सेलिंग नहीं है, गिरावट आती भी है तो ऑलमोस्ट 520 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है, अगेन बाउंस बैक करके 540 का लेवल ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। 540 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो 560, और इसके ब्रेकआउट के बाद 580 से लेके 600 तक के टारगेट आप रिफेक्स दिखा सकता है। आप रिफेक्स यहाँ से रुकने वाला नहीं है, बड़े अपसाइड लगातार बड़े टारगेट दिखाता हमको यहाँ से नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।